मैं नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में गया, स्वयं गया और उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, आपने 3 लाख करोड़ रुपया 15-20 लोगों का मात किया, आप किसान से बोनस छीनते हो, उसको आपने सही दाम देने का वायदा किया, उसको आप सही दाम नहीं देते हो, एमएसपी नहीं देते हो, बारिश होती है ओला गिरता है, आप उसको मुआवजा नहीं देते हो, हम जमीनी अधिकरण बिल लाए, उसकी जमीन की रक्षा के लिए लाए, उसको आपने रद्द करने की कोशिश की, 3 बार आपने उसको पार्लियामेंट में रद्द करने की कोशिश की। तो मोदी जी, आप हमें बताइए, आप किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं करते हो? भाई और बहनों, मेरे सवाल का जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। मोदी जी ने यह भी नहीं कहा, हां किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, हां हमें उन्हें बोनस देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना एक शब्द नहीं बोला। मगर 3,50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। और भाइयों और बहनों, अभी 12 लाख करोड़ रुपया बचा है और नरेंद्र मोदी जी 12 लाख करोड़ रुपया आस्ते 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 इन सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ करेंगे। कर्नाटक में चुनाव था, पंजाब में चुनाव था, मैंने यह बात वहीं भी कही। मैंने कहा कि देखिए, अगर पंजाब में नरेंद्र मोदी की सरकार कर्जा माफ करने को तैयार नहीं है, तो जैसे ही पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। फिर मैं कर्नाटक गया, चुनाव था, वही बात मैंने वहां कही, नरेंद्र मोदी करोड़ों लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकता है, किसानों का 1 रुपया नहीं माफ कर सकता। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 10 दिन के अंदर कर्नाटक में किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। अब आप पंजाब में लोगों को जानते हो, बेंगलोर में, कर्नाटक में आप लोगों को जानते हो, मध्य प्रदेश से यहां रोजगार नहीं मिलता है तो आपके लोग पंजाब जाते हैं, बेंगलोर में काम ढूंढने जाते हैं, युवा जाते हैं, तो आप कर्नाटक में, पंजाब में किसी से भी एक सवाल पूछिए, उनसे कहिए, राहुल गांधी आया था मध्य प्रदेश, राहुल गांधी ने हमें कहा कि 10 दिन के अंदर पंजाब में, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया, क्या राहुल गांधी सच बोल रहा था या झूठ? और आपको जवाब मिल जाएगा।